उसके ऊपर कोई अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने काफी कोशिश की फॉरेन गवर्नमेंट बैन हो ताकि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करे और जो अवैध टैक्स के यहाँ पर ड्रामा फॉरेन कॉन्टेंट लैंड होता है वो ना, तो ये इसमें भी बहुत जरूरी है। मैं बहुत गुजारिश करूंगा कि सवाल अपना मुख्तसर रखें ताकि मजीद जो यहाँ पर सवाल करना चाहें वो भी करें, एक सवाल हो ताकि सब उसमें मुस्तफीद हो सके। तजा साहब, मेरा नाम जुनैद साबिर है। मेरा सवाल ये है कि इंडियन फिल्मों पर बैन क्यों नहीं लग जाता पाकिस्तान में? कोई ना इंडियन चैनल लगे, ना कोई इंडियन फिल्म हो, ना इंडियन फिल्म लगेगी, ना ही जो है इंडियन कल्चर प्रमोट होगा। हमारे पास इतने अच्छे एक्टर हैं कि सर मैं अपने चाइल्डहुड से आपको देख रहा हूँ माशाल्लाह, और मुझे बचपन से ही आप ये कह रहे हैं कि मुझे अभी भी याद है मैंने बाबर अली की फिल्म देखी थी सिनेमा पे जाके, और उस वक्त से मैं पाकिस्तानी फिल्मों का बड़ा शौकीन हूँ, तो ये क्यों नहीं बैठ जाता पाकिस्तान के अंदर? इसमें जो है मैं बहुत ज़्यादा मैं अथॉरिटी नहीं है उस पर बात करने की, लेकिन हमने कोशिश बहुत की है। लोकल जो इंडस्ट्री है हमारी अभी इस लेवल पर नहीं पहुंची कि उसे इंटरनेशनल फिल्मों की सपोर्ट की ज़रूरत ना हो। सिनेमा ओनर्स जो हैं वो अपना बिजनेस जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सपोर्ट लेते हैं इंटरनेशनल फिल्म्स की, जिसमें इंडियन फिल्में भी आती हैं, इंग्लिश फिल्में भी आती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म्स इतनी ज़्यादा नहीं अभी बनना शुरू हुई कि हर हफ्ते आपको एक नई फिल्म देखने को मिले। साल में 6-7 फिल्में आती हैं और सिनेमा हाउसेज जो खाली पड़े रहे।